देख रहे हैं पब्लिक लाइव, मैं हूं दिव्यानंद अग्रवाल। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा आज चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। उसी तारीख के ऐलान को लेकर आज ग्वालियर कलेक्टर महोदय अक्षय कुमार सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर किस तरीके से चुनाव की तैयारी करनी है। क्योंकि आज भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचित किया है कि निर्वाचन के तारीखों की घोषणा हो गई है। उसका मतलब यह है कि आज से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जैसा मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की, आदर्श आचरण संहिता के कई पहलू हैं। एक पहलू राजनीतिक दलों के लिए है, एक पहलू शासकीय मुलाजिम के लिए है, एक पहलू अन्य लोगों के लिए है। और उसमें प्रमुख रूप से ये बात है कि जो लोग चुनाव के भागी हो रहे हैं, जो राजनीतिक दल चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करना है। मसलन द्वेष फैलाने वाली कोई बात नहीं करनी है, अगर कोई बात करनी है तो नीतियों आधारित होनी चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरे के कार्यक्रमों में व्यवधान नहीं लाना है, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। चुनाव के दिन में 200 मीटर के अंदर की क्या प्रतिबंध है वो उनको बताया गया है। बूथ जो लगेगा 200 मीटर के बाहर लगेगा, ये उनको बताया गया है। बाकी जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए बहुत सारे प्रतिबंध हैं। आदर्श आचरण संहिता में प्रतिबंध ये है, सरकारी खर्चे पे विज्ञापन नहीं हो सकता, और सरकारी मुलाजिम के बारे में ये स्पष्ट होनी चाहिए कि वो निष्पक्ष रहे और निष्पक्ष दिखे, ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी लोगों के लिए भी अपेक्षाएँ बहुत सारी की गई हैं, उनमें से ये कि किसी भी प्रचार प्रसार का अगर भागी होते हैं तो कोई ऐसी चीज़ लेकर के ना जाएं जिसका दुरुपयोग कोई गैरकानूनी कार्यों में हो सकता है, ये बाकी लोगों के लिए भी प्रतिबंध है। चुनाव के जो नामांकन की प्रक्रिया होगी उसके लिए अलग अलग कक्ष तैयार किए जा रहे हैं, वो तो कक्ष की सूचना हम आप लोगों को देंगे। आज से आदर्श आचरण संहिता लागू होने का अर्थ ये है कि जो संपत्ति विरूपण हटाने की कार्रवाई है वो बहुत तेज़ी से की जानी चाहिए। वो 6 विधानसभा में कार्रवाई क्या सर आगामी दिनों में त्योहारें नवरात्रि है, दीपावली है, ऐसे में सामाजिक कार्यों को की व्यवस्था की गई है, वो परमिशन चाहे सभाओं की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे वो कोई और चीज़ की हो, वो लागू होती हैं। 144 संयोग उस पहले से भी इस ज़िले में लागू है, तो जो 144 के प्रावधान जो प्रचलित हैं वो सामाजिक कार्यक्रमों में भी रेगुलेट करने के दृष्टिकोण से लागू हैं, पर मना ही नहीं, अनुमति ले करके का नहीं है। अभी सर ग्वालियर में बड़ी सभाएं चुनाव करने के लिए कम भी होते हैं और उनकी संख्या 50 से भी ज़्यादा है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि अगर अभी भी किसी को लगता है कि कोई स्थल छूट गया है जहाँ सुविधाजनक तरीके से सभा हो सकती है, नुक्कड़ सभा हो सकती है, वो देंगे तो सूची को और बेहतर। सर एक सवाल और है सर, अभी गुर्जर जो आंदोलन हुआ था, अभी सोशल मीडिया पर लगातार 12 तारीख का मैसेज किया जा रहा है, तो चूंकि पूर्व में घटना हो चुकी है, उस तरह से संग लेते हुए प्रशासन किस तरह की तैयारी? देखिए उनकी भी बहुत लोगों से लगातार संपर्क है, वो भी लगातार हमारे संपर्क में, हम उनके संपर्क में हैं, और उनकी एक चिंता ही रही है कि निर्दोष लोग ना परेशान किए जाएं, और वो वाजिब है और वो वैसे भी ये सुनिश्चित करते ही हैं, और उनके लोग सब लगातार संपर्क में हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि वो इसके भागी बिल्कुल नहीं हैं। बाकी कानूनी जो आवश्यकता लगी वो की जाएगी, कानून अपना रास्ता किया जाए। सर 16 लाख 25 हज़ार हमारे 16 लाख कहिए मोटा मोटी ये हमारे वोटर्स हैं, और आपने 1659 मतदान केंद्र हैं अपने, जहाँ तक संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात है, और वो अभी तय होने में समय लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है जो अभी आने वालों दिनों में होगी, वो नया तरीके से सेटलमेंट करना पड़ता है। तो 1659 मतदान केंद्र हैं और 16,25,000 हमारे मतदाता हैं। 18 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर मतदाता की संख्या 1500 से ज़्यादा है, जहाँ पे अपने को सहायक मतदान केंद्र बनाए। सर अक्सर जो थर्ड जेंडर है वो मतदान से हमेशा पीछे रहता है, इस बार किस तरह की? इसलिए की है कि जो आयोग की मंशा है कि कोई मतदाता मतदान से छूटे नहीं, उसकी भावना बिल्कुल लेटर एंड स्पीरिट में जो बोलते हैं ना, पूरी तरीके से पालन हो, और उसके लिए हमने मतदाता सूची से जुड़े लोगों को लगातार प्रेरित किया कि उनका नाम जोड़िए और उनसे संपर्क करिए, और
एक व्यक्ति को वोट देने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो, अकेला भी जाना चाहे तो ये सुनिश्चित करिए। तो हमारा जो वोटर लिस्ट बनाने वाला अमला है वो उनसे संपर्क में है।